दोस्तों नमस्ते हैं, जय श्री राम। दोस्तों मैं हूं सागर, आप लोग देख रहे हैं सागर राम व्लॉग। तो आज मैं हूं जी, हमारे हिंदू भाई रहते हैं इधर, देख सकते हैं डेजर्ट में बहुत ज़्यादा घर हैं पीछे, देख सकते हैं। तो मैं इधर आया हूं, तो मैंने सोचा दोस्तों को ये घर दिखाएं और इनका जो लाइफस्टाइल और कैसे अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं वो भी दिखाते हैं। तो भाई है हमारे साथ, उनसे भी आपसे मिलवाता हूँ और पूछते हैं भाई का नाम है। आपका नाम क्या है? शबीर भाई। इधर रहते हो? कितनी देर से आप इधर रह रहे हो? इधर से 20-25 साल। 20-25 साल, यानी कि काफ़ी देर से आप इधर रह रहे हो। इधर सब भील बरादरी के हैं या मुस्लिम के रहते हैं? भील बरादरी के। ज़्यादातर काम काज क्या करते हैं? काम काज यही भेड़ बकरी वाला, मेहनत मजदूरी। और आप खेती बाड़ी का भी काम करते हो? कर लेते हैं खेती बाड़ी का। तो आप हम आप अपने विलेज दिखाएंगे? तो दोस्तों हम अभी जा रहे हैं शबीर भाई के साथ, तो उधर जाके आप बने रहिए हमारी वीडियो में तक। और जो साथी हमारे चैनल पर न्यू हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जेके बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। तो चलते हैं, हम अभी नीचे जा रहे हैं। तो देख सकते हैं आप, अभी जो है हम बहुत ज़्यादा ऊँचाई पर खड़े थे, तो अभी आस्ते आस्ते नीचे जा रहे हैं। तो वीडियो बिल्कुल स्किप मत करें, पूरी देखिएगा। तो भाई आगे आगे और हम पीछे हैं, क्योंकि भाई अपने विलेज दिखाएगा ना। तो ये जो एक दरख्त भी खड़ा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं शबीर भाई? किक्कर। किक्कर बोलते हैं जी इसे। आप लोग क्या बोलते हो कमेंट्स में बताना। और सामने देख सकते हैं जो के गधा भी खड़ा हुआ है गर्मी में। तो ये सब जो है भील बरादरी के घर हैं। और जी शबीर भाई, वो उधर तुम क्या करते हो? वो उधर जिधर देवताओं की पूजा पाठ करते हो? पूजा पाठ करते हैं जी ये देवताओं की, इधर शाम के टाइम या सुबह के टाइम? शाम के टाइम। तो पहले आप ये विलेज दिखाएंगे हमें, कौन सा उधर आगे? तो ये देख सकते हैं आप लोग, सामने जो है शबीर भाई है। और ये शबीर भाई किसकी बकरी है? ले लें बकरे हैं यानी के। और वो सामने खरगोश हैं। अच्छा, तो ये खरगोशों का घर बना हुआ है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये जी खरगोशों का घर बना हुआ है। तो इधर आप बुलाएंगे तो आ जाएंगे या उधर बुलाओगे? गर्मी है इसलिए। तो ये भी इसमें भी आते हैं, दिखाओ ऊपर उठा के थोड़ा सा। तो ये दोस्तों ये है शबीर भाई की भेड़े, और ये बच्चे हैं सभी। बड़े किधर है? चरने के लिए रोई में, आपके नजदीक रोई है इधर तकरीबन 2-3 किलो कम है। तो दोस्तों इनके जो है ना रोई का इलाका कम नजदीक ही पड़ता है। तो ये आप लोगों को मैं भेड़ के बच्चे दिखाता हूँ, ये सब देख सकते हैं। इनको बुलाओ ये उठेंगे। तो भाई बुला रहा है, तो अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है ना इसलिए बैठे हुए हैं दोस्तों। तो वो क्या बना हुआ है? वो इनका घर है। तो दोस्तों हम जो भेड़ों का विलेज बना हुआ है, भेड़ों का भी, बकरियों का, भेड़ों का, एक साथ में रहती हैं भेड़ और बकरियाँ। अच्छा, और ये क्यों इधर बिठाई हुई है? यानी कि ये प्रेग्नेंट है। तो दोस्तों ये प्रेग्नेंट है ना, इसलिए ये घर पे ही रहती है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी है तो इसलिए जी। ये देख सकते हैं बहुत प्यारी सी, क्यूट सी देख रही है, बहुत ज़्यादा गुस्से में, कहीं मारे ना मुझे भी। तो ये देखें जी, ये जब गर्मी होती है इधर आके बैठते हैं। तो दोस्तों ये देखें जी, गर्मी होती है जब भेड़ें और बकरियाँ इधर आके बैठती है, देख सकते हैं।
जब सर्दी होती है तो धूप में सर्दी ज्यादा अच्छी होती है या गर्मी ज्यादा अच्छी होती है? सर्दी अच्छी होती है ना, क्योंकि आप रोई के नजदीक बैठे हो ना, इसलिए आपको सर्दी बहुत ज्यादा, वैसे भी सर्दी बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है सबके लिए। तो दोस्तों आप अपना जो विलेज आप जहाँ पे रहते हैं वो दिखाएंगे हमें। चलो जी दोस्तों बने रहे हमारी वीडियो में तक। तो भाई का जो विलेज है वो भी हम देखते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये है शबीर भाई का विलेज जहाँ पे रहते हैं ये। तो देख सकते हैं ऊपर जो लकड़ी डाली हुई है और ये कच्ची दीवारें, ये टोकरा, टोकरा किस लिए रखा हुआ है इधर? ये वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हाँ सर्दी की वजह से बचाया जाता है। तो सही है जी। और ये देख सकते हैं इनके कुछ बाइक भी खड़ी हुई है और चार भाई, और ये है जी शबीर भाई का विलेज। तो दोस्तों ये इसमें अनाज डालते हैं, ये ऊपर नाम भी लिखा हुआ है, अर्जन परदेसी पंडित भी लिखा हुआ है मेरे ख्याल से। तो ये तीन नाम क्यों रखे हुए हैं भाई? भाई ने तीन नाम अलग अलग रखे हैं। आपका भाई है वो अभी किधर है? वो गया हुआ है। तो अर्जुन भाई पंडित भी नहीं है, तो उनसे भी हम आप लोगों की मुलाकात करवाते। तो शबीर भाई का और भी विलेज है। तो जी दोस्तों ये देख सकते हैं आप, बर्तन भी रखे हुए हैं इधर, लाइट का सिस्टम है, सोलर का है। तो ये दोस्तों इन्होंने जो है मिट्टी भी बनाई हुई है, और ये कुछ दीवारें बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होया था, तो दीवारें टूट गई थी, तो ये अभी जो है ना नहीं बना रहे हैं। तो ये देख सकते हैं जी, तो ये जी इनका किचन है, और ये माल मवेश को डालने के लिए। तो जी ये है किचन, और जिस पे रोटी बनती है वो है ऊपर। तो जी देख सकते हैं, ये देख सकते हैं ये कुछ बच्चे बैठे हुए हैं। आपका नाम क्या भाई? नजीर। आपका भाई? भौरिया। और आपका ये अभी क्या बन रहा है? साग बन रहा है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं अभी जो है ना साग बन रहा है। तो देख सकते हैं नजदीक जाके। तो जी अभी हम आप लोगों को कबूतर दिखाते हैं। आपका नाम क्या है छोटू? मेश। ये जी छोटू मेश, और ये मैं आप लोगों को कबूतर दिखाता हूँ। ये किसके कबूतर हैं? ये आप लोगों के है। स्कूल जाते हो या नहीं? स्कूल क्यों नहीं जाते, क्या वजह है? नज़दीक नहीं है या फिर जाते नहीं हो? नज़दीक नहीं है। तो दोस्तों इनका जो स्कूल है ना नहीं है, क्योंकि ये जो बहुत ज़्यादा सफ़र होता है, तो ये माल मवेशी का काम करते हैं। आपका नाम क्या है भाई? क्रिश्चन। आप क्या काम करते हो? जी ये जी मेहनत मजदूरी करते हैं और खेती बाड़ी का काम करते हैं। और ये देख सकते हैं इनका भी गधा है। गधे इधर ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गधे क्यों होते हैं? क्योंकि इनके पास जो है बाइक होती है, रक्षा फटा नहीं होता, जिसकी वजह से इन्हें जो है ना गधा ही दूर दूर से घास ले आते हैं। और देख सकते हैं आप रेगिस्तान का इलाका है, डेजर्ट है सब, तो ये गधे ही काम आते हैं इधर। देख सकते हैं जी ये हमारे हिंदू बरादरी के विलेज हैं कुछ। तो दोस्तों ये देखें जी मुर्गी, दोस्तों कितने बच्चे हैं जी, एक मुर्गी और छह बच्चे हैं इसके। तो आज की वीडियो इतनी, कल मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वाचिंग, धन्यवाद जो आपने हमारी वीडियो पूरी देखी। तो इस तरीके से ही हमारे YouTube चैनल पर प्यार बनाए रखें, और जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।